इस मुसाबके में दो तीन साल से हो रहा है, हर बार तीन ग्रुप में तकसीम किया जाता है, कभी कभी चार। चार की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, तो इसलिए कभी कभी चार ग्रुप बनाए जाते हैं कि कभी कभी जैसे ग्रुप ए में अगर कंडीशन लगाया गया कि 12 साल से 16 साल तक के बच्चे ए ग्रुप में आएंगे बैठेंगे, उसमें क्या होता है 12 13 साल वाले बच्चे बच्चे घबराते हैं कि 16 साल 15 साल के बच्चे बच्चों के सामने हम लोग क्या हैं, क्लास के हिसाब से भी नीचे हैं, अकल के हिसाब से भी हम नीचे हैं, जैसे घबराते हैं। ऐसे वक्त में कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ए में भी दो ग्रुप कर देते हैं, ए वन ए टू कर देते हैं, ताकि सारे बच्चे हौसलामंद हो जाए, घबराए ना। देखिए सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू क्विज़, ये नाम रखा गया था क्विज़ कंपटीशन का। उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ कि उर्दू ये कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में, मैं दूसरे ममालिक का नाम नहीं लेता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर हमेशा से मुसलमानों की एक पहचान रही है उर्दू ज़बान, जिसको आज हम लोग दुनियावी तालीम के चक्कर में पढ़ पढ़ के भुला दे रहे हैं। लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कोई ज़बान ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। जैसे ज़बान तो है, लेकिन ये पहचान है उर्दू ज़बान। अरबी अगर कमज़ोर है आप लोगों की, उर्दू तो कम से कम मजबूत रखिए। ऑफिशियल ज़बान भी आजकल सरकार की तरफ से हर जगह दे दी जा रही है। तो ये उर्दू ज़बान में ये कंपटीशन इसलिए रखा गया था ताकि आपके बच्चों में भी उर्दू पढ़ने का जज्बा पैदा हो, आपके घर के अंदर भी उर्दू सीखने जानने वाला हो। नुक्ते की बात यह है कि कुरान या हदीस का तर्जुमा आप पढ़ेंगे तो जितने मवाद आप उर्दू ज़बान में जमा कर लेंगे, समझ लेंगे जितने आसानी से, दूसरे ज़बानों में उतने ना आप ढूंढ पाएंगे ना उतने समझ पाएंगे आसानी के साथ। ये उर्दू के अंदर खूबी है, इसलिए उर्दू ज़बान को भी बरकरार रखने के लिए यहाँ के इंतज़ामिया ने मशवरा किया, बैठक की, कमेटी में मीटिंग रखी कि इंशाल्लाह हम लोग यहाँ जैसे तेलुगु रोमन इंग्लिश चलता है वैसे हम उर्दू का भी रिवाज करेंगे। धीरे धीरे उर्दू बोलने वाले हैं, धीरे धीरे लिखना भी सिखाएंगे, पढ़ना भी सिखाएंगे, ताकि कुरान का तर्जमा कहीं उर्दू में मिल जाए उठा के फ़ौरन पढ़ ले, कहीं अगर हदीस का तर्जमा उर्दू में मिल जाए फ़ौरन उठा के पढ़ ले, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में आप उतने शफाफियत के साथ नहीं पाएंगे जितने उर्दू में पाएंगे। तो देखिए ये कंपटीशन तीन ग्रुप में इस बार रखा गया था, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में था, पहले मर्तबा था। कुछ गलतियां भी होंगी, हमारी गलतियों को आप लोग भी नज़रअंदाज करेंगे। पहले मर्तबा जैसे उम्र का लिहाज हम लोगों ने करते हुए इधर उधर अगर कुछ गलती की होगी कि 9 साल के बच्चों से इतने साल के बच्चों तक ऐसा रखना चाहिए, हम लोगों ने उल्टा कर दिया। 11 साल से 12 साल तक 13 साल तक ऐसा रखना चाहिए, हमने वैसा ने उल्टा कर दिया। कुछ भी गलतियां हो सकते हैं, इनामात के तकसीमात में हमने कुछ गलतियां कर दी, नज़रअंदाज कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब करेंगे हम लोग भी बहुत चीज़ सीखे, बहुत गलतियां हुई हम लोगों से, हम लोग भी अफसोस कर रहे हैं कि बच्चे बच्चियों में तकसीम करने में गलती किए हैं। इंशाल्लाह अगले बार जब रखेंगे तो ये गलतियां भी हम लोग सुधार लेंगे, इस्लाह कर लेंगे और अच्छे अंदाज में रखेंगे। तो ये इस कंपटीशन के मकासद थे जो हमने आपके सामने मुख्तसर अंदाज में रखे हैं। वक्त हो रहा है, देखिए तीन ग्रुप में, ग्रुप ए है, ग्रुप ए में उस्मान भाई जिस पेपर में टोटल बच्चे शरीक हुए थे वो है सामने, हाँ जो शरीक हुए थे, ग्रुप ए में टोटल 18 बच्चों ने शिरकत की थी, कोत्तागोड़म और पालवंचा मिलाकर के, बाकी और हल्के थे लेकिन वहाँ के सरपरस्तों ने हिम्मत नहीं की, बच्चों को हौसला नहीं दिया। जो भी कमज़ोरी होगी उन लोगों की, उन लोगों के पास, अल्लाह ताला उन लोगों को भी हौसला दे, आगे बढ़ने की तौफीक दे, आमीन। ए ग्रुप में 18 बच्चे थे, बी में 9 बच्चे बच्चियां और सी में 14 बच्चे बच्चियों ने शिरकत की। अल्लाह ताला इन बच्चे बच्चियों के जज्बात को कबूल फरमाए और आगे बढ़ने की और तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो ग्रुप ए के अंदर तीन बच्चों के नंबरात अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे 50 नंबरात का ये कंपटीशन था ग्रुप ए का, और बी का 20 नंबरात का, और सी का 10 नंबरात के, सिर्फ सी के बच्चे 5 साल से लेकर 8 साल तक के उम्र के लिए रखा गया था। तो उस हिसाब से इतने इतने बच्चे बच्चों ने शिरकत की, काबिल मुबारकबाद हैं पोजीशन हासिल करने वाले बच्चे भी, और नहीं आए उन लोगों के लिए भी हम हौसला अफजाई कर रहे हैं। देखिए ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल करने वाला बच्चा है शेख खलीलुर रहमान बिन अफजल अली, जिनको
यहाँ के इंतजामिया ने 3,000 एक कीमती रकम इनाम के तौर पर देने के लिए तैयार किया लिफाफे के अंदर, और एक शील्ड और साथ ही एक सर्टिफिकेट भी शेख मोहतरम के हाथ से वो हासिल करें। ये पहला नंबर लाया है ग्रुप ए के अंदर, ये कोतागोड़म का है, कोतागोड़म का है। 3,000 रुपये, एक शील्ड, एक सर्टिफिकेट। दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली एक बच्ची है आयशा सिद्दीका बिनते अब्दुल नासिर, जो दूसरी पोजीशन हासिल की है, जिसको 2,500 रुपये इनाम के तौर पर एक कीमती रकम दी जा रही है। वो आए शेख मोहतरम के हाथों अपने इनाम को लेके जाएं। 2,500 रकम है, एक सर्टिफिकेट है, एक शील्ड है। तीसरी पोजीशन वहीदा सुल्ताना बिनते नाहिद, इनको 2,000 रुपये की एक बड़ी कीमती रकम दी जा रही है इनाम के तौर पर। तीसरी पोजीशन हासिल की है इन्होंने, 2,000 रुपये की एक बड़ी रकम, एक शील्ड, एक सर्टिफिकेट। ग्रुप बी में एक चौथा बच्चा है ग्रुप ए के अंदर, थोड़ी सी तफसील है, एक मिनट वक्त लगे तो ज़रा सब्र से सुन लीजिए कि 50 मार्क्स का जो कंपटीशन था, 50 मार्क्स में सबसे हाई मार्क्स लाने वाला बच्चा था, 47 मार्क्स हासिल किया था 50 में से, अल्हम्दुलिल्लाह 3 ही मार्क्स कटने दिया है। उसके बाद 3 निकले 46 46 46। अब उसमें से कुछ मिस्टेक्स अल्फाज के जरिए से, वर्ड्स के जरिए से, सेंटेंस के जरिए से हम लोगों ने देख देख करके आगे पीछे किया कुछ गलतियों में, तो उसमें से दूसरी पोजीशन वाली एक बच्ची निकल गई, फर्स्ट सेकंड का हल हो गया। अब तीसरी पोजीशन के लिए ज़रूरत पड़ गई कि दोनों बराबर हैं, अब क्या किया जाए। तब वो हमने ढूंढा तरीका जिसके ज़रिए से आसानी से शरई निगाह में अच्छा हो और हल हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चिट्ठी डालना जिसको कहते हैं, कुरा अंदाजी करना कहा जाता है उसको, तो हमने मुनासिब समझा कि कुरा डाल करके थर्ड पोजीशन निकाल लेंगे, और जो चौथे नंबर पर आ जाएगा उसकी भी हौसला हम पस्त नहीं होने देंगे, उसको भी कुछ ना कुछ इनाम देंगे, हम उसको भी बाहर नहीं निकाले हैं। तो तीन पोजीशन वाले बच्चे बच्चियों को हो गया, ये चौथे नंबर का बच्चा है अबू हुरेरा बिनते बिन सैयद आसिफ, वो बच्चा आए, उसको एक सर्टिफिकेट और 2,000 रुपये की एक रकम इनाम के तौर पर दिया जा रहा है। इसका भी हौसला कम नहीं, क्योंकि इसने भी बहुत मेहनत किया है। ग्रुप बी में सैयद जुलकरनैन बिन अब्दुल रहीम, वो आए, ये ग्रुप बी में पहला इनाम है, 2,000 रुपये की एक बड़ी रकम, एक सर्टिफिकेट, एक शील्ड। जी जी। दूसरी पोजीशन मुस्फिरा अरहम बिनते यूनुस पाशा, वो आए, इसको 1,500 यानी 1,500 रुपये की बड़ी कीमती रकम, एक सर्टिफिकेट और एक शील्ड। ग्रुप बी में ये दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली बच्ची है, 1,500 की रकम है। तीसरी पोजीशन थर्ड फारिया इरम बिनते अब्दुल कदीर, इसको तीसरी पोजीशन हासिल करने की वजह से 1,000 रुपये की बड़ी रकम, एक सर्टिफिकेट, एक शील्ड दिया जा रहा। जल्दी आए अपने इनामात को लेके जाएं। ग्रुप सी सैयद जीदान बिन अब्दुल रहीम, ग्रुप सी में पहला इनाम होगा 1,500 रुपये का, 1,500 रुपये की बड़ी रकम, एक सर्टिफिकेट, एक शील्ड। दूसरी पोजीशन रुशदा इनाया बिनते अब्दुल मलिक, वो आए, 1,000 रुपये की रकम है, एक सर्टिफिकेट है, एक शील्ड है कि नहीं दे दिए। तीसरी पोजीशन मारिया शगुफ्ता बिनते नजरुल हक, मारिया शगुफ्ता, वो आए, तीसरी पोजीशन 500 रुपये की रकम, एक सर्टिफिकेट, एक शील्ड। मारिया शगुफ्ता यही है।
हो गया ना, कुछ नहीं है ना, सर्टिफिकेट सीरियल से बिना टिक वाले का ऐलान करना है। ये तो इनामात का सिलसिला था, दो तीन मिनट में अब सर्टिफिकेट्स का एक सिलसिला है। जितने बच्चों ने शिरकत किया था उन बच्चे बच्चियों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको रकम या शील्ड वगैरह नहीं मिला होगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं, कम से कम एक सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा, फ्यूचर में वो सर्टिफिकेट काम आएगा। नाम लेता हूँ एक एक करके, वो आए और शेख के हाथ से अपने सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे। पठान उमर बिन पठान अब्दुल सत्तार, दूसरा है अबू बकर बिन शेख जाकिर, एक एक करके आते जाएं, शेख आफरीद बिन शेख फरीद, शेख मूसा बिन शेख खालिद, शेख शुएब बिन शेख हमीद अब्दुल हमीद, मोहम्मद आफरीन बिनते मोहम्मद तैयब, मोहम्मद बुशरा बिनते मोहम्मद बाबर, मोहम्मद फवाज गालिब बिन मोहम्मद इकबाल, नंबर से नाम सही दीजिए, ये है इसका फवाज, ठीक है ठीक है, बुशरा बिनते मोहम्मद बाबर आफरीन दोनों आए, ये बुशरा है, बुशरा है जी, बुशरा ये है, वो आफरीन है जी, मोहम्मद सुमैया फातिमा बिनते अब्दुल अजीम, मोहम्मद सुमैया बिनते अब्दुल अजीम, जल्दी आए, ये शेख सुहाना बिनते शेख अब्दुल अजीज, शेख सुहाना बिनते शेख अब्दुल अजीज, सुहाना हाँ वो सुमैया है, ये सुहाना नहीं, बहन नहीं, अलग अलग है ये पहले बोलना था इसलिए मैं देखा नहीं, अब्दुल मतीन बिन नाहिद, अब्दुल मतीन बिन नाहिद, मोहम्मद उमर बिन अब्दुल नासिर, हफ्सा बिनते महमूद, हफ्सा बिनते महमूद, मोहम्मद शमशुद्दीन बिन फसीहुद्दीन, बहुत चॉकलेट मिला है इसको सुबह, ये ग्रुप ए में, बी और सी के बाकी है, ये कौन है हुसना, ये बी में ना, अब बी में है हुसना अमरीन बिनते सैयद महमूद, हुसना अमरीन बी में, जल्दी आए सर्टिफिकेट लेके जाए, हुसना अमरीन बिनते सैयद महमूद, हुसना ये, मनहा फातिमा बिनते मोहम्मद अब्दुल अजीम, ये कौन है शेख अयान, शेख अयान बिन शेख अफसर, ये वो मनहा फातिमा, मनहा नहीं है, मनहा जल्दी आए, ये अयान शेख अयान जी, अस्मा बिनते शेख अजमत, अस्मा बिनते शेख अजमत, मोहम्मद असद बिन मोहम्मद जावेद पाशा, मोहम्मद असद, ये मोहम्मद असद है, अस्मा कहाँ है, अस्मा वो है, वो बच्ची आ रही है, वो अस्मा है शेख, नाजनीन फातिमा बिनते उस्मान फारूकी, नाजनीन फातिमा उस्मान भाई की बच्ची ग्रुप सी में, अमरा फातिमा बिनते उस्मान फारूकी, अमरा फातिमा बिनते उस्मान फारूकी, जल्दी, उसको रास्ता ही नहीं दिख रहा जल्दी में,
मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद हमजा बिन मोहम्मद इकबाल यहाँ है बैठ के सी में, ये शेख जुनैद बिन आबिद, शेख जुनैद बिन आबिद, शेख जुनैद, मोहम्मद माविया अरबाज बिन अब्दुल मलिक, तीन, फारिया बिनते शेख आसिफ जमा, नहीं आ सके उसके सर्टिफिकेट रख दीजिए। अगला अरीबा शगुफ्ता बिनते नजरुल हक, अरीबा शगुफ्ता, अरीबा शगुफ्ता, जल्दी मोहम्मद अरशद बिन जावेद पाशा, मोहम्मद अरशद जी, मोहम्मद इज़ान बिन मोहम्मद यूनुस, टकला ऐसे ही आ गए, शेख उमेर बिन अफसर, शेख उमेर, उमेर कौन है जी, उमर है, उमेर है, शेख उमेर, उमेर है, उमर है नाम, बिन अफसर, अयान का भाई है क्या, नहीं आया है, ठीक है, मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद तैयब, मोहम्मद इमरान, अब्दुल अजीज बिन आबिद, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ये पूरे इनामात और सर्टिफिकेट्स का सिलसिला चला। इसको मत दीजिए, वो ले लीजिए, ये बदमाश बच्चा है, फाड़ देगा, कहीं फेंक देगा, वैसे उनके भाई का है, अपने भाई की किताब ये फाड़ देता है, समझ रहे हैं, रहम नहीं करता है ज़रा भी हम लोग दे लेंगे यहाँ, ये दोबारा नहीं बना पाएंगे इसे, ठीक है। चूँकि शेख मोहतरम हम लोगों के लिए लगभग 300 किलोमीटर का फासला सफ़र की मुश्किलात के साथ तय करके यहाँ पर पहुँचे हैं, और सुबह फजर से लेकर अब तक हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी दी, वक्त की, सेहत की, बातचीत की, इल्म की, सारी चीज़ों की कुर्बानी पेश की हम लोगों के सामने। मस्जिद इंतज़ामिया ने शेख मोहतरम के लिए एक अवार्ड तैयार किया है, ये शेख मोहतरम को दिया जा रहा है। अल्लाह ताला इंतज़ामिया के हक़ में भी नेकी बनाए और शेख मोहतरम के हक़ में भी नेकी बनाए, शेख मोहतरम के हौसले में मज़ीद बरकत दे, आमीन। इसी तरह हमारे मौल साहब ने पिछले जो है कई सालों से माशाल्लाह बच्चों के लिए मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे मौल साहब की खिदमात के एतराफ़ करते हुए मस्जिद के जिम्मेदारान मौल साहब को मोमेंटो पेश करना चाहते हैं, माशाल्लाह, गॉड वंडरफुल, माशाल्लाह, बारकल्लाह फिक, आओ देर ले रहे, अब आपको देंगे इंशाल्लाह बाद में, इंशाल्लाह, बारकल्लाह, चलिए, जज़ाकुम अल्लाहु खैरन व अहसन अल-जज़ा। जितने लोगों ने शिरकत किया है सारे लोगों के शुक्रिया के साथ इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।